केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सीतापुर जेल में बंद आजम खान को एक और झटका लग सकता है। जी हां, प्रदेश की योगी सरकार आजम खान के जोहर ट्रस्ट को 100 रुपए सालाना लीज पर दी गई माध्यमिक शिक्षा विभाग की जमीन को वापस लेगी। मंगलवार को लोक भवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। बता दें कि तत्कालीन सपा सरकार में आजम खान के जोहर ट्रस्ट को माध्यमिक शिक्षा विभाग की 41,181 वर्ग फीट जमीन महज 100 रुपए सालाना किराए पर दी गई। अब माध्यमिक शिक्षा परिषद इस जमीन को वापस लेने जा रहा है। इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेज चुका है, जिस पर आज होने वाली कैबिनेट बैठक में मोहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि तत्कालीन सपा सरकार में नियमों को ताक पर रखकर यह जमीन जोहर ट्रस्ट को महज 100 रुपए सालाना किराए पर 30 साल के लिए दी गई थी। इस जमीन पर जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय था। मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जमीन और भवन को लीज पर देने की शिकायत मौजूदा रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने तत्कालीन जिलाधिकारी रामपुर को की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी रामपुर ने जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी की जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अब शासन की तरफ से जमीन को फिर से शिक्षा विभाग में निहित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर आज होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।